हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बढ़िया है, कट रहा है जैसे भी कट रहा है, ठीक ही चल रहा है। तो आप लोगों ने नीचे टाइटल में देख ही लिया होगा कि मेरा आज का वीडियो है इस टॉपिक पे कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की कैसे पहचाने घरेलू तरीके से। तो पहले के लोग कैसे मतलब जानते थे, पहचान जाते थे कि लड़की है या लड़का है? तो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो हम कहीं आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, पहले ही अगर ये दिमाग में आता तो हम बना चुके होते वीडियो। एक दिन अभी हॉस्पिटल में दो लोग को बातें करते हुए सुने तो हमको लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए कि घर पे कैसे पहचाने पेट में पलता हुआ बच्चा लड़का है या लड़की। तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और हम मेरे साथ ये हुआ है, तो हम अपना शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो जब मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे पेट में था तो हम पहले तो ससुराल में थे, वहां से फिर आए मायके में। तो मेरी मम्मी के यहाँ मेरी जो दादी थी, अभी मेरी दादी नहीं है, जो मेरी दादी थी वो ये सब ज्यादा जानती थी, वो बताती थी। और एक दो लोग और हैं, वो लोग भी चाची लोग और लोग भी जानते थे, बताती थी। तो मेरी दादी जब हम आए थे अपने मायके आए ससुराल से, तो मेरी दादी बोली, ऐसे ही हम एक बार बैठे थे तो मेरी दादी बोली कि अगर पेट में लड़का है तो वो राइट साइड, ये दाहिने साइड, वो घूम फिर के आके राइट साइड में ही पेट में बैठता है, वो ज्यादातर राइट साइड ही होता है। तो अगर जो राइट साइड होता है तो वो बेटा ही होता है। तो हमको लगा कि मेरा भी तो मतलब वो जब बच्चे चलते हैं पेट में घूम फिर के आके वहीं राइट साइड ही बैठ जाता था। तो हमको नहीं लगा था कि ये सब सही बात होगा, हमको लगा कि ये पहले के लोग हैं ऐसे ही अपना सब बोलते होंगे। लेकिन जब फिर हम दादी का बात ये मेरे को याद था, जब फिर ये बिट्टू हुआ तो लड़का ही हुआ, तो हमको लगा कि सही बात है। दादी बोली थी कि अगर दाहिने साइड में बैठता है, घूम फिर के आके बैठता है तो वो लड़का ही होता है, और अगर वो लेफ्ट साइड बाएं साइड में आके रुकता है या ज्यादा मतलब होता है ना कि जब बच्चे पेट में चलना शुरू कर देते हैं तो चल फिर के फिर स्थिर जगह एक जगह हो जाता है, बैठे रहते हैं, फिर घूमते हैं, फिर एक ही जगह आके बैठ जाते हैं। तो बिट्टू वही था कि घूम फिर के वो दाहिने साइड आके बैठ जाता था। और दादी बोलती थी जो लेफ्ट साइड में अगर बच्चा बैठता है यानी ज्यादातर रहता है तो वो बेटी होती है। तो बिट्टू मेरा राइट साइड में ही बैठता था, एकदम मतलब घूम फिर के आके वहीं बैठ जाता था। तो हमको नहीं लगा था कि ये सही होगा, लेकिन जब हुआ तो लड़का हुआ तो हमको लगा कि हाँ, ये दादी सही कह रही थी कि जो राइट साइड में आके बैठता है या घूम फिर के जो ज्यादातर राइट साइड में रहता है वो लड़का ही होता है। तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो सच्ची में वो दादी का बात सही निकला था उस टाइम कि मेरे को लड़का ही हुआ था। तो मेरे घर में मेरे सास को लड़की नहीं है, उनको भी लड़के हैं, मेरी दादी को भी लड़की नहीं थी, उनके भी बस मेरे पापा हैं। तो फिर उसके बाद आप लोग भी सोच रहे होंगे ना ये आज मैं कौन सा टॉपिक लेकर बैठ गई हूँ, तो ये इस पे हमको बात करना था क्योंकि हम दो औरतों को हॉस्पिटल में बात करते हुए सुने थे। वो लोग बहुत मतलब बात कर रही थी कि ऐसा ये लक्षण होता है तो लड़का होता है, ये लक्षण होता है तो लड़की होती है। तो हम बोले कि हम भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक नहीं कई ठो हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को एक बताती हूँ, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को फिर दूसरा तीसरा ऐसे बताऊंगी। तो अभी तो दादी की बात एकदम सही निकली, दादी बोली थी राइट में जो बच्चा होता है
वो लड़का ही होता है, लड़का पैदा होता है। तो मेरा तो बिट्टू हुआ, लड़का पैदा हुआ, सही बात है। फिर 3 साल बाद मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी, तो दूसरी बार सबको मेरे घर में लड़की ही चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर में जैसा कि हम बताए, मेरे सास को भी लड़की नहीं थी, नहीं है, और मेरी दादी को भी लड़की नहीं है, तो हमको लड़की चाहिए था, मेरे सास को भी लड़की चाहिए थी। तो दूसरे हम लोग पूरा मतलब सोचे थे कि लड़की ही होगी, तो हम लोग को सबको यकीन था कि इस बार तो लड़की होगी ही। तो इतना यकीन था कि मतलब इतना सबको विश्वास था, इस बार हर किसी ने, मेरी मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ के लोग भी आए थे, मेरी बहन का शादी पड़ा था अलका का, उसमें आया था, तो वो लोग भी बोले थे कि इस बार बेबी को लड़की ही होगी। तो बहुत सारे लक्षण हैं जैसा कि हम बताए आप लोगों को, कि आज एक शेयर करेंगे फिर दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो दूसरी बार जब मेरा बच्चा पेट में आया, तो फिर हम सोचे कि इस बार फिर वो घूम फिर के आके बैठता था जब दाहिने में, तो हम सोचते थे कि अरे ये बाएं साइड क्यों नहीं बैठ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड क्यों नहीं बैठ रहा है, हमको तो लड़की चाहिए। तो उसको फिर कुछ दिन बाद देखे तो वो फिर घूम फिर के आके लेफ्ट साइड ही बैठ जाता था। तो हमको भी खुशी था, और मतलब हमको भी यकीन था कि लड़की ही होगी इस बार, सबको यकीन था कि लड़की होगी, सारा लक्षण लड़कियों का था, मेरा मतलब जब पेट में थे था तो सारा लक्षण लड़कियों का था। जब इतना सबको यकीन था कि जब ये पैदा हुआ मेरा छोटा वाला, तो किसी ने पूछा भी नहीं सिस्टर से कि हुआ क्या, सबको लगा कि लड़की ही है तो क्या पूछना। इधर सिस्टर पोछ दी, नहला दी, सब कर दी, जब सबको लगा कि लड़की है, सब खुश थे, मम्मी थी, हम थे साथ में, और एक चाची थी वो भी गई थी, तो सबको लगा कि लड़की है तो क्या पूछना, किसी ने पूछा नहीं कि लड़की है कि लड़का, सबको लगा लड़की है। तो फिर जब सिस्टर बोली कि ये लीजिए अपना नाती, तो मम्मी बोली लड़का है क्या, तो सिस्टर बोली कि लो इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, बच्चा पैदा हुआ, अभी पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। तो मम्मी बोली हम तो सोचे कि लड़की है, तो बोले कि नहीं लड़का हुआ है। तो सोचिए, पहला मेरा बाबू था तो वो दाहिने साइड ही बैठता था, दादी बोली थी कि दाहिने साइड जो रहता है वो लड़का ही होता है, तो वो तो सही बोली थी, और बोली थी लेफ्ट साइड होता है तो वो लड़की होती है। तो मेरा तो पहला वाला सही निकला कि वो राइट साइड में जाके घूम फिर के बैठ जाता था तो वो लड़का ही हुआ, लेकिन दूसरी बार तो वो लेफ्ट में ही बैठता था तो भी लड़का ही हुआ। तो सोचिए, ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो कि ये सब सब सारी बातें झूठ है, कि आप घरेलू तरीके से जान सकते हैं कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, ऐसे कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाले ने दिया है वही होगा। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मतलब दाहिने साइड में भी था तो लड़का हुआ, लेफ्ट मतलब राइट साइड में था तो भी लड़का ही हुआ, और लेफ्ट साइड में था तो भी लड़का ही हुआ। तो मेरी दादी का पहला तो सही निकला, दूसरी बार तो गलत ही हो गया। लड़की जब लेफ्ट में था तो उसको लड़की होना चाहिए था, लेकिन लड़का ही हुआ। तो वही बोले ये सब सारी बातें गलत है, और मतलब पेट में पल रहा बच्चा या लड़का है या लड़की, सिर्फ भगवान जान सकते हैं और कोई नहीं, पैदा होने से पहले कोई नहीं पता लगा सकता घरेलू तरीके से। हाँ, पहले के लोग बहुत बोलते थे ये लक्षण होगा, तो अभी कई लक्षण हैं जो कि सही भी हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमको लगा उस दिन हम जब सुने हॉस्पिटल में, तो हमको लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो कि ये प्रूव करे कि हाँ एकदम 100% ये लड़का है या लड़की। ये तुक्का है, अगर लगा तो लगा, अगर किसी का लक्षण सही निकला तो सही हुआ, अगर नहीं तो नहीं। तो ये सब सारी बातें, इसको शुद्ध हिंदी में बोलिए तो मिथ्या है, गलत है, झूठ है, इसका कोई वो नहीं है
कि कोई पता किसी भी तरीके से नहीं पता कर सकते हैं कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की। हाँ, चोरी से जो सोनोग्राफी करवा रहे हैं उनको पता लग जा रहा है, वरना घर में कोई वैसे नहीं बता सकता कि पेट में पल रहा बाबू, मतलब पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। तो हमको लगा कि इस बात पे आप लोग इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहिए। तो आज का यही था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में शामिल हो जाइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करें, नहीं पसंद आए तो भी लाइक करें, पर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।